अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समर में मुझे काफ़ी सीडलिंग करनी थी और काफ़ी कुछ काम करने थे प्लांटिंग के हवाले से, लेकिन मेरे लिए थोड़ा मसला हो रहा है क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा होती है कि मुझसे धूप में तो बिल्कुल काम नहीं होता। और इवनिंग का और मॉर्निंग का जो टाइम होता है उसमें मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। मैं असल में एक मेरे ड्यूटी लगी हुई है बोर्ड में, तो इस वजह से जो है मैं मॉर्निंग में भी इसको नहीं दे पा रही टाइम अपने प्लांट्स को, और इवनिंग में भी नहीं दे पा रही। और जो बीच का जो टाइम होता है वो इतनी ज़्यादा धूप गर्मी और बहुत ज़्यादा जो ना हीट हो रही होती है हमारे टेरेस पर कि पॉसिबल नहीं होता जाकर कुछ काम करना। मगर मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने प्लांट को देखती रहूं। अब रात में मैं इसको करती हूं केयर, लेकिन रात में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि आपको पता है अंधेरा होता है। लेकिन जैसे जैसे मैं करती जाती हूं मैं वो आपसे शेयर करती जाऊंगी। आज मैं बात करूंगी पुदीने की, जो कि हमारे लिए गर्मियों में इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। पुदीना तो मैं आपको मशवरा दूँगी हर एक के घर में ज़रूर होना चाहिए, और या तो आप इसको ख़रीद कर ले आएँ या फिर आप जिस तरह मैंने इसको घर में लगाया है कटिंग की मदद से, मेरी प्रीवियस वीडियो आप जाकर देख सकते हैं पुदीने के हवाले से मैंने एक बनाई थी। ये जो फर्स्ट मेरा प्लांट था ये मैंने खुद ही इसकी डंडियां लगाई थी, कटिंग इसकी लगाई थी, और ये माशाल्लाह इतना अच्छा ग्रो कर गया है। इसके बाद मैंने इसके और मज़ीद इसमें से रूट्स निकाल के दूसरे में लगाए और फिर उसमें से तीसरे में लगाए, तो तीनों पॉट्स में मेरे भरा हुआ पुदीना है जो कि मैं घर में खानों में भी इस्तेमाल करती हूँ। और आप गर्मियों में डिटॉक्स वाटर भी इसका बना सकते हैं, वो मैं आपको आगे चल के इसकी रेसिपी बता दूँगी। अब मैं दोबारा से लगाने जा रही हूँ और मज़ीद मुझे चाहिए, तो मैंने खाली पॉट ले लिया है छोटा सा। अब मैं ये जो मेरा सबसे पहले वाला प्लांट था ना उसमें से मैं इसके रूट्स के साथ इसको निकालूंगी और मैं आपके सामने इसको लगाऊंगी। आप इसी मेथड से आप अपने घर में भी लगा सकते हैं और पुदीने के फ़ायदे उठा सकते हैं गर्मियों के सीज़न में। पहले तो मैं देखूंगी कि कहाँ से अच्छा रहेगा रूट के साथ इसको निकालना, जो ये ख़राब भी ना हो और आराम से हमारे दो चार इसकी जो डंडियाँ हैं वो रूट्स के साथ निकल आए। अगर मैं चाहूँ तो मैं कटिंग भी कर सकती हूँ, लेकिन वो हो भी सकता है ना निकले इस तरीके से, लेकिन रूट्स के साथ अगर हम लगाते हैं तो वो 100% हमें रिज़ल्ट मिलता है। कोशिश करें कि बहुत आराम से इसको हम निकाल सकें ताकि हमारे और रूट्स भी डैमेज ना हों इसके, वरना फिर ये इतना नाजुक होता है कि फौरी तौर पर जो है ना ये पीला पड़ जाता है और ख़राब हो जाता है सूख कर। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि रूट्स से अगर आप निकाल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुशी टाइप का होता है, बहुत इसमें जड़ें और बहुत ज़्यादा डंडियाँ एक साथ एक दूसरे से मिली हुई होती हैं, क्योंकि ये सीधा नहीं बढ़ता, ये फैल जैसे जाता है ना फैलने के अंदाज़ में ये बढ़ता है। ये देखिए मैंने बहुत आराम से निकाल लिया है और अच्छी खासी इसकी रूट्स जो है मेरे इसमें हाथ में आ गई हैं, और किसी और पौधे को भी हमने डैमेज नहीं किया। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि इसको जो है डायरेक्ट धूप में मत रखिएगा, इसको हमेशा धूप की जो हीट आ रही होती है, जो हिद्दत होती है गर्माई की, उसमें ये बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। और इनमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, बस इतना पानी डालना चाहिए पुदीने के प्लांट में कि ये बस वेट हो जाए मिट्टी। बहुत ज़्यादा पानी आप भर कर डाल देंगे तो फिर ये गल जाएगा, सड़ जाएगा और ये अच्छा ग्रो नहीं करेगा, इसके पीले पत्ते होना शुरू हो जाते हैं अगर हमने बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया। इस तरीके से आपने बस जड़ के साथ इसको लगा लेना है और ये आपका एक और पुदीना का पॉट रेडी हो जाएगा। इसको भी अब मैं साइड में रख दूंगी, लेकिन कोशिश यही करिएगा, मैं फिर से बताती हूँ कि धूप में, डायरेक्ट धूप में इसको नहीं रखना है। भले आप शेडी एरिया में ना रखें, लेकिन इसको ऐसी जगह रखें जहाँ धूप नहीं आ रही हो, बस धूप का सेक आ रहा हो। आपके सामने ये देख सकते हैं आपके कितना ज़्यादा मेरे पास पुदीना हो गया। और डिटॉक्स वाटर का मैं अब आपको बता देती हूँ, सिंपल होता है। रात में आपने एक बॉटल में पानी ले लेना है, 1 लीटर वाली बॉटल जो होती है, उसमें आपने लेमन के पीस काट के और साथ में आपने कोकम्बर ले लेना है आधा या एक जैसा भी आपके पास हो, और अदरक के 1 इंच का पीस या 1.5 इंच का पीस और पुदीने के कुछ पत्ते, ये सब आपने पानी में मिक्स कर लेना है और पूरी रात के लिए रख देना है।
ओवरनाइट जब ये डिप होता है तो ये अपनी सारी ताकत जो एनर्जी है वो पानी में छोड़ देता है और उसके बाद ये तैयार हो जाएगा आपके पीने के लिए और ये बहुत ज़बरदस्त डिटॉक्स वाटर बन जाता है। मैं भी यही यूज़ करती हूँ गर्मियों में। इसके अलावा पुदीना आप अपने खानों में भी अपने घर में से तोड़कर यूज़ कर सकते हैं जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो हो रहा है। इसमें कोई ऐसा दवाई कोई ऐसा केमिकल नहीं जा रहा है। अगर हमें करना भी होता है इनमें तो हम वही जैसे कि मैंने आपको बताया आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं टर्मरिक जो हल्दी होती है उसका मैं किस तरह से स्प्रे करती हूँ या वो मिट्टी में किस तरह छिड़कती हूँ। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीका है, इसमें हमें कोई नुकसान नहीं होता। हल्दी हम वैसे भी घर में खानों में यूज़ करते हैं तो ये टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें ना। आप किसी भी चीज़ में इसको यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल नेचुरल टेस्ट इसका आता है। खुशबू बहुत अच्छी आती है घर में। आप बाहर से लाते हैं तो वो बहुत काले पत्ते होते हैं और ख़राब होते हैं, उनमें सुराख हुए हुए होते हैं, कीड़ों ने अटैक किया हुआ होता है, तो वो इतना फ़ायदेमंद नहीं होते जितना ये घर में जो हमारे ग्रो हो रहा है ये बहुत फ़ायदेमंद हमारे लिए होते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से नेचुरल तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं और उसी तरीके से हम इसको अपने खानों में यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा आप इसकी पुदीने की चटनी भी घर में बना सकते हैं जो कि गर्मियों में बहुत फ़ायदा देती है। आप उसको पराठे के साथ या किसी भी रोटी के साथ खा सकते हैं या किसी खाने के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको पुदीने की चटनी की रेसिपी मुझसे चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रही होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को मेरे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। न्यू आने वालों से रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपने प्लांटिंग की तरफ दोबारा आऊँगी, इनको अच्छी तरह टाइम भी दूँगी और भी चीज़ें ग्रो करूँगी। मेरे साथ रहिएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।